An Academy. Let's crack it. एक मुद्दा रहता है कि कब करंट अफेयर्स पढ़ना चाहेंगे, मतलब रोज पढ़ें या हफ्ते में एक दिन पढ़ लें, दिन में अगर पढ़ें तो कब पढ़ें, सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सुनते हैं बच्चों से। अब देखिए, इसका भी कोई टेलर मेड सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज आप में से हर व्यक्ति का उसकी दिनचर्या अलग है, उसकी सोच अलग है। कई लोग रात भर पढ़ते हैं, आधा दिन सोते हैं, दोपहर के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे उठकर पढ़ते हैं। तो सबके अपने अपने एक तरह से डूज एंड डोंट्स हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से और एक जो स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट है उसके हिसाब से अपनी सलाह दे रहा हूं। आप उसे माने ना माने, वो आपका एक विशेषाधिकार है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि करंट अफेयर्स शाम को, जो आपका लास्ट लेग आपका उस दिन की पढ़ाई का होगा, उसमें होना चाहिए। जनरली बहुत सुबह सुबह आपको 8, 9, 10 बजे अखबार पर केंद्रित प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे। मैं कारण बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। देखिए, आप जब उठते हैं सुबह, तो ये पुनः एस्टैब्लिश्ड मेडिकल फैक्ट है कि आपका जो एफिशिएंसी है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, वो पीक पर होता है 100%। और जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश है एक बढ़िया 7-8 घंटे नींद लेने के बाद, तो आपको 100% एफिशिएंसी वहां देनी चाहिए जहां सबसे अधिक कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। वो क्या चीज है? वो ऐसी चीजें हैं जो आप नया कुछ कंसेप्चुअल, आप कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जिसमें आपको समझना भी है, आपको कुछ रिलेट भी करना है, आपको कुछ नोट्स भी उसके बनाने हैं। तो आप जब अपने दिन के शेड्यूल को जब आप अरेंज करते हैं, तो आप जनरली जनरल स्टडीज के 1-2 सेगमेंट लेते होंगे, ऑप्शनल का कुछ पार्ट उसमें लेते होंगे, आप उसमें करंट अफेयर्स को भी कहीं अकोमोडेट करते होंगे, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कोई समय रखते होंगे, ठीक है, कुछ क्लासेस आप कर रहे हैं उसके लिए भी टाइम होता होगा। अब इन तमाम चीजों में मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो लीस्ट एफर्ट चाहिए, मतलब बॉडी थक गई है, दिमाग थोड़ा थोड़ा बुझने लगा है, तो भी मैं किस चीज को उस फिजिकल कंडीशन में भी आसानी से समझ सकता हूं, वो करंट अफेयर्स है। क्योंकि ये चारों तरफ आपके हो रहा घटनाक्रम है, आप उसको देख रहे हैं। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कोई प्लासी के युद्ध के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं जिसको आपने दूर दूर तक कभी नहीं सोचा समझा है। ऐसे में जो लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो डिमांड करता है वो है करंट अफेयर्स, और इसीलिए आप दिन की तैयारी का जब अंतिम आपका क्षण है उसमें आप करंट अफेयर्स को पढ़ें।